मैं कुमार दीपक यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में कार्यरत हूँ पिछले 11 साल से, और मैं एनवायरमेंटल पॉलिसी एंड प्लानिंग डिवीजन में काम करता हूँ। और मेरा काम इकोसिस्टम बेस्ड डिजास्टर रिडक्शन के अंदर भी आता है। और सबसे पहले तो शिक्षा सत्याग्रह की बात करूँ, जिसमें गौरव जायसवाल जी मध्य प्रदेश में इस कार्य को कर रहे हैं। सत्याग्रह गांधी जी की एक ऐसी विरासत है हिंदुस्तान को और पूरी दुनिया को, जहाँ पे हम लोग सत्य होकर आग्रह करते हैं कि सरकार जो मूलभूत शिक्षा संबंधी जो व्यवस्था है उसमें आमूल चूल परिवर्तन लाए, और उसमें एक ऐसा बदलाव लाए जो शिक्षा को उनके क्वालिटी के स्तर पे, और साथ साथ जो जन सामान्य, जो हमारे समाज का सबसे पिछड़ा तबका है, जो सबसे पीछे है, वहाँ तक शिक्षा जाए और इस शिक्षा का उपयोग हो सके उनकी सामाजिक सुरक्षा में, पर्यावरण सुरक्षा में, उनकी आर्थिक सुरक्षा में, उनकी राजनीतिक सुरक्षा में और उनकी सांस्कृतिक सुरक्षा में। तो शिक्षा सत्याग्रह के ऊपर हम लोग आज चर्चा करेंगे, और उसी के जरिए बिहार की वर्तमान शिक्षा की स्थिति के ऊपर भी एक बृहद चर्चा करने जा रहे हैं। तो आए बिहार के शिक्षा की चर्चा करें आज शिक्षा सत्याग्रह में। तो उसके लिए मैं सबसे पहले कुछ सरकारी आंकड़ों के ऊपर और उनमें बिहार की स्थितियों के ऊपर चर्चा करूंगा। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है स्कूल एजुकेशन इंडेक्स, जो नीति आयोग ये आंकड़े निकालती हैं, और 2016-17 में स्कूल एजुकेशन इंडेक्स के अंदर सरकार ने जब आंकड़ा निकाला, भारत सरकार ने, तो बिहार की रैंकिंग वहाँ पर 19वें नंबर पे थी, और 20 बड़े राज्यों में बिहार की स्थिति 19वें नंबर पे थी, और उनके बाद बस एक झारखंड ही बचता था। तो ये आंकड़े इस बात को दर्शाते हैं कि कहीं ना कहीं बिहार अन्य राज्यों के मुकाबले, खास करके प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा और हाई स्कूल उच्चतर शिक्षा में नीचे जा रहा है। और इन रैंकिंग को अगर हम बहुत अच्छे से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस प्रकार से सरकार इन आंकड़ों में उलझी हैं, कि उनका ये जो स्कूल एजुकेशन इंडेक्स है वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, वर्ल्ड बैंक और कुछ ऐसे एजुकेशन एक्सपर्ट थे जिन्होंने दो पैरामीटर्स के ऊपर, दो मेन पैरामीटर्स के ऊपर उन्होंने ये आंकड़े निकाले थे। एक तो थी आउटकम कैटेगरी, आउटकम कैटेगरी में उन्होंने पैरामीटर्स रखे थे कि लर्निंग की स्थिति क्या है और स्टूडेंट्स का स्कूल में एक्सेस कितना है, और तीसरा था इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज, और एक उसमें ये डाला गया था कि स्कूल किस प्रकार से स्टूडेंट्स को ट्रीट करता है, वो ट्रीटमेंट सोशल बेसिस पे है या कास्ट के बेसिस पे है। तो उसमें बिहार ने 35.2%, मतलब इस पूरे स्कूल एजुकेशन इंडेक्स के अंदर बिहार 35.2% लाया, जो 2016-17 में इसके 19वें नंबर पे बड़े राज्यों के अंदर केरला उसमें सबसे टॉप थी, इसका स्थान रहा बिहार का। और जब हम उसी एजुकेशन के आंकड़े के ऊपर जब बात करते हैं तो एक महत्वपूर्ण आंकड़ा आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का, जिसको यूनाइटेड नेशन चला रही है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के चौथे आंकड़े पे नीति आयोग कहती हैं, नीति आयोग का एक बड़ा आंकड़ा है कि उसमें बिहार 36वें स्थान पे, उसकी रैंकिंग 100 अंकों के आधार पे की गई बिहार के स्कूलों की, और उसमें उस रैंकिंग के अंदर बिहार का
जो मार्क्स है, जो क्रेडिट पॉइंट है, वो 36 है। इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि बिहार की स्थिति अन्य राज्यों के मुकाबले, इवन वो आर्थिक और एवरेज स्तर पे, नेशनल एवरेज पे, हम एजुकेशन में कहाँ पर अपने आप को पाते हैं। और जब नीति आयोग के स्कूल एजुकेशन इंडेक्स में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जब आंकड़ा निकला, तो उसमें 10.5% जो अन्य राज्यों के मुकाबले बहुत पीछे थी इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ को लेकर के, तो नीति आयोग ने उसके ऊपर कड़ी टिप्पणी करी। केंद्र सरकार ने भी इसके ऊपर कड़ी टिप्पणी करी थी उस समय जब ये लागू हो रहा था। और दूसरे राज्यों के मुकाबले हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी है, जो हमारा जीडीपी है, जीएसडीपी है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी, हालांकि हम नेशनल एवरेज जो 4.1 का है, 4.1% का, उससे ज़्यादा 6.2% के आसपास हम अपने एसजीडीपी का खर्च करते हैं एजुकेशन के ऊपर, लेकिन चूंकि हमारा जीडीपी अन्य राज्यों के मुकाबले बहुत ज़्यादा नहीं है, कम है, इस वजह से हम उन शिक्षा के मूलभूत चीज़ों में पिछड़ जाते हैं। कहीं पे शिक्षकों की स्थिति सही नहीं है। शिक्षकों की स्थिति का आलम ये है कि पिछले 2 सप्ताह से जो नियोजित शिक्षक हैं और जो वर्तमान में जो कॉन्ट्रैक्ट पे बहाल हुए शिक्षक हैं, हड़ताल पे हैं, और सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही है, और आधे से ज़्यादा सरकारी स्कूलों में अभी ताला लटके हुए हैं। तो शिक्षा को देख करके सरकार कितनी चिंतित है और किस प्रकार से चिंतित है, उसके बारे में एक नीतिगत व्यवस्था के ऊपर हम लोग बात करेंगे। अब बुनियादी शिक्षा को हम लें, और बुनियादी शिक्षा उस आधार पे हम जाएंगे जब पूरे भारत की शिक्षा का जो लिटरेसी परसेंटेज है वो 68.56% के आसपास है। और जब बिहार का लिटरेसी स्टेट हम देखते हैं तो लड़कों की परसेंटेज 77% के आसपास है, तो लड़कियां वहीं 51% के आसपास पढ़ी लिखी हैं। लेकिन ये आंकड़े कितनी सच्चाई से उन तमाम चीज़ों को व्यक्त करती हैं कि जहां पे एक तरफ आज के दौर में हम सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, दूसरी तरफ उस प्रकार की शिक्षा का बात करते हैं जहां पे उस शिक्षा का प्रयोग आगे आने वाले समय में लगभग ना के बराबर होता है, और एक बेरोजगारी का बड़ा स्तर इस शिक्षा से उत्पन्न होता है, और ये शिक्षा कहीं ना कहीं उत्पादक नहीं है आज के दौर में, स्कूली शिक्षा हमारी उत्पादक नहीं है, और उसके वजह से एक बड़े स्तर पे स्टूडेंट्स का, यहाँ के छात्रों का पलायन हो रहा है बिहार से लगातार। और इस बात को हम लोग भी देखते हैं कि अगर वैसी शिक्षा जो सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण, राजनीतिक और लैंगिक समानता ना दे सके, तो उस प्रकार की शिक्षा को हमें बदलने की ज़रूरत है। अब जो शिक्षा आज के दौर में हमें दी जा रही है उसका परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है, उसके सिलेबस के आधार पे भी, कि हम पिछले 55-60-70 सालों के सिलेबस को अभी लगातार हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या हम आज की शिक्षा को अगर सोचें तो ऐसा लगेगा आपको कि हमें लग ही नहीं रहा है कि शिक्षा हम वर्तमान की कर रहे हैं। चाहे वो विज्ञान भी पढ़ रहे हैं तो हम वैज्ञानिक इतिहास अपना पढ़ रहे हैं, या सामाजिक जो विज्ञान पढ़ रहे हैं उसका भी हम एक इतिहास पढ़ रहे हैं। वर्तमान की स्थिति से उसे कोई लेना देना नहीं है, और भविष्य की स्थिति से भी आज की शिक्षा का कोई लेना देना नहीं है। तो बिहार में किस प्रकार से हम शिक्षा को बदलेंगे, और सरकार जिस प्रकार के आंकड़े बताती हैं कि वो इस बार जो अभी का 2020 का जो बजट है सरकार का, उसमें बताएं कि उसने अपने जो फिजिकल एलोकेशन है उसका 20.2%, अब तक का बिहार के इतिहास में इतना बड़ा बजट कभी भी शिक्षा के ऊपर खर्च नहीं हुआ है। 6.2% के आसपास बिहार का एक बड़ा एलोकेशन एजुकेशन के तरफ जा रहा है। तो आपको पता करना होगा कि ये पैसा जा आखिर कहाँ रहा है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर में पीछे पिछड़े हुए हैं,
अब जो नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में बिहार सबसे पीछे है, एजुकेशन की रेटिंग में हम 37वें 36वें स्थान पे हैं, हमारी जो स्कूल एजुकेशन इंडेक्स है वो 19वें स्थान पे है। तो अन्य राज्यों के मुकाबले शिक्षा की इस तरह की दुर्गति अगर जिस राज्य में होगी तो लोग कैसे उस तरह तरीके से आगे बढ़ सकेंगे। तो आज की ज़रूरत पे अगर हम बात करें तो स्कूल में सिलेबस बदलने की ज़रूरत है, और इस बदलने के साथ साथ कुछ खास विषयों को, खास करके जो एंटरप्रेन्योरशिप के विषय हैं, जो आर्थिक विषय हैं, जो स्किल डेवलपमेंट के विषय हैं, टेक्नोलॉजीज की कोर्सेज हैं, वोकेशनल कोर्सेज हैं, उनको हमें ईमानदारी पूर्वक लाना पड़ेगा। और साथ में जो क्वालिटी टीचर्स हैं, जो टीचर उच्च सेवाएं दे सकते हैं छात्रों को, और उनके अंदर इनोवेशन, रिसर्च, डेवलपमेंट को लेकर के चेंजेस ला सकते हैं, उसमें हमें लाने की ज़रूरत होगी। और उनको रिक्रूटमेंट में बहुत एक ईमानदार रिक्रूटमेंट करने की कोशिश होगी, और अनुशासन स्कूल के अंदर लाना होगा। चुनाव आने वाले हैं, नवंबर दिसंबर में चुनाव बिहार के हैं। सारी पार्टियां एजुकेशन को एक मुद्दे के तौर पे इस्तेमाल करती हैं, लगातार वो शिक्षा में बदलाव, शिक्षा में परिवर्तन, शिक्षा में व्यवस्था की बात करते हैं, और हम मतदाता हर एक बार ठगे से रह जाते हैं। 5 साल फिर से सरकार बनती है और शिक्षा की स्थिति और नीचे की ओर जाती है। तो मैं मतदाताओं से अपील करता हूँ कि अपने प्रतिनिधियों से, अपने पार्टियों से पूछें कि क्या वो सही में शिक्षा के अंदर परिवर्तन लाना चाहते हैं, और वैसे उम्मीदवारों का समर्थन करें पार्टी से अलग हट करके भी, जो जिनकी शैक्षणिक स्थिति, जिनकी शैक्षणिक जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो बहुत ज़्यादा है, और उन शैक्षणिक पैरामीटर्स के ऊपर अगर हम वोट करते हैं, अच्छे और योग्य नेताओं को हम विधानसभा और सदन में भेजते हैं, तो जाहिर से तौर पे शिक्षा की नीतिगत स्तर पे बदलाव आने की संभावना है। शिक्षा में बदलाव आएंगे, स्कूलों की स्थिति अच्छी होगी, शिक्षक लोग अच्छे आएंगे, और उसका बदलाव आपको देखने को मिलेगा। तो जनता और हम लोग, बिहार की जनता, शिक्षा को सबसे ऊपर रखें। अगर शिक्षा होगी तभी आपको तमाम प्रकार की सुरक्षाएँ, चाहे वो खाद्य सुरक्षा हो, चाहे वो आर्थिक सुरक्षा हो, सामरिक सुरक्षा हो, पर्यावरण की सुरक्षा हो, तमाम सुरक्षाओं से शिक्षा ही आपको एक सुरक्षित अवसर जीने का देंगी, रोज़गार मुहैया कराएंगी, एंटरप्रेन्योरशिप के दरवाजे खुलेंगे। तो आप शिक्षा को प्रायोरिटी लें, शिक्षा पर वोट करें, और उम्मीदवारों को उनकी योग्यता के आधार पर वोट करें।